अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम केल। आज सुबह सुबह जनाब 12 सितंबर 2021, प्लान तो मेरा ये था कि मैं अपनी बाइक के ऊपर जाऊंगा, लेकिन जो रास्ता है उधर इतना शदीद कीचड़ हो चुका है कि बाइक पे जाना जो है ना वो अनसेफ है। इसलिए मैंने अब यही प्लान किया कि मैं जाऊंगा जीप के ऊपर, और यहीं से केल से ही आपको जिस होटल में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे स्टेट कॉन्टिनेंटल होटल, यहाँ से ही मुझे अभी साजिद साहब मेरे साथ मुझे लेके जाएंगे जहाँ पर इनका जीप का स्टॉप है। वहाँ से जीप में बैठकर हम लोग तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के अंदर पहुँचेंगे शाउंटर वैली। शाउंटर से फिर आगे उसके दुमेल वाले पॉइंट से, और फिर दुमेल से आगे हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो देखते हैं जनाब आज का कैसा हमारा जो है वो सफ़र रहता है, वो आपको मैं साथ साथ दिखाता हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग है, वैसे तो नॉर्मली सितंबर के इस टाइम फ्रेम में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन ये मेरी लक है कि मैं इस टाइम आया हूँ और बारिशों का सीज़न भी चल रहा है, उस वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं बादल ऐसे उठ रहे हैं पहाड़ से जैसे कोई नीचे बारबेक्यू चल रहा हो और उसके धुएं उठ रहे हो। सो जल्दी जल्दी से हम नाश्ता करते हैं साजिद भाई के साथ जो इधर स्टेट कॉन्टिनेंटल में होते हैं, इनके साथ नाश्ता करते हैं। पराठा और अंडा इधर का बहुत ज़बरदस्त है, वो नाश्ता करके फिर हम पैकिंग करके चलेंगे जनाब अपनी जीप की तरफ। ऑलराइट जी, मैं पहुंच गया हूं अब केल के जो बस स्टैंड है वहां के पे, और यहां से चलती हैं जनाब जीप्स, केल से चलती है ताऊबाट और शाउंटर वैली और काफ़ी और जगहों के लिए जहां से लोकल्स वगैरह सफ़र करते हैं। तो यहां से केल से जो शाउंटर वैली की जीप राइड है वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की है, और जो टिकट है अगर आपने चिट्ठा कट्ठा जाना है तो आपने दुमेल से पहले एक जगह आती है होज, वहाँ पर उतरना है, उसका किराया 300 रुपया, और अगर आपने शाउंटर वैली आगे इसके आखिरी स्टॉप तक जाना है तो उसका किराया 350 रुपया। और अभी भी हम वेट कर रहे हैं जीप के फिल होने का, तो जैसे ही जीप पूरी की पूरी फिल होती है हम निकल पड़ेंगे चिट्ठा कट्ठा की तरफ। साथ साथ जा रहा है और अच्छा किया मैंने वैसे अपनी बाइक नहीं लेके आया, बिकॉज रास्ते में काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा पत्थर भी आ रहे हैं और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। सफ़र तो बहुत मज़ेदार है और ऐसी ऐसी वादियों से इस वक्त गुजर रहे हैं यार। फिलहाल जीप अभी रोकी है, थोड़ा सा ठंडा शड्डा करने के लिए, काफ़ी चढ़ाइयाँ उतराइयों के बाद गर्म हो जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो पानी का चश्मा पीने वाला भी है, यहाँ से पानी शानी डालेंगे और फिर आपको लेके चलते हैं मज़ीद आगे शाउंटर की तरफ।
हाँ जी, फाइनली पहुंच गए। 11:15 बजे मैं पहुंच गया हूँ होज के मुकाम पर। जब भी चिटाकटा जाना है आपने होज उतरना है, ना कि दुमेल। दुमेल आगे है, वो जो छोटा सा गांव नज़र आ रहा है वो दुमेल बाला है, और ये पहाड़ हम सर करेंगे। और इस पहाड़ के पीछे है चिटाकटा। ये अभी हम कितने फुट पे हैं हाइट? 9,000 पे, और चिटाकटा 13,500 पे है। सलाउद्दीन ने बनाई है। और जी ये है सलाउद्दीन, और सलाउद्दीन मेरे साथ चल रहा है आज भी डकवान तक। ठीक है, चिटाकटा में जाते हुए आपके पास एक पहला ये स्टॉप है, यहाँ से स्टार्ट होती है होज से, और फिर डेक वन, फिर डेक टू, और फिर चिटाकटा लेक। इधर चला मैं उधर चला। चलो जी, पैक शैक पहन लिए हैं, तैयारी करके निकल पड़े हैं। और जो चिटाकटा की तरफ रास्ता जाता है वो होज वाले पॉइंट और जो दुमेल का पॉइंट है उसके दरमियान में। फिलहाल मैं आपको जो जीप ट्रैक हम करके आए हैं उसकी समरी दे दूँ। डिफ़िकल्टी लेवल जीप के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था, जीप को कोई मसला नहीं, लेकिन बाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूँ कि नहीं, आसान नहीं था। इट वॉज डिफ़िकल्ट। रास्ते में ऑलमोस्ट को 10-12 ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे मुझे पता लगता था कि मेरी यहाँ पे अगर बाइक होती ना तो मुझे बहुत परेशानी होनी थी। यार एक बैड सीन हो गया, सबसे टफ ट्रैकिंग करनी है और हाइकिंग स्टिक मैं अपने कमरे के होटल में भूल आया हूँ केएल में। ये तो बहुत बैड सीन हो गया, और अब मुझे कोई लोकल लकड़ी की देखनी पड़ेगी, शाख ढूंढनी पड़ेगी, अदरवाइज ये तो नहीं हो सकती सीख के बगैर। ऑल राइट जी, सलाउद्दीन आ गया। सलाउद्दीन ने मुझे ज्वाइन कर लिया है और मेरे साथ हेल्प करते हुए सपोर्टर भी जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि सलाउद्दीन भी अपने शौक़ के साथ फर्स्ट टाइम जाएगा चिटाकटा। आज शाम हम गुजारेंगे डेक वन के ऊपर, स्लो स्लो जाएंगे। नॉर्मली लोग कहते हैं कि 1.5-2 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन हम जाएंगे 4 घंटों में, क्योंकि आपको मज़ेदार यहाँ की सीनरी भी दिखानी है और चश्मे दिखाने हैं, वाइट कलर के, चिट्टे कलर के, क्योंकि इन्हीं चिट्टे चश्मों की वजह से इस जगह को कहते हैं चिट्टाकटा। हिंदुओं की ज़बान में कट्ठा को कहते हैं पानी का दरिया, और चिट्टा मतलब आपको पता है सफ़ेद। तो अभी जब मैं करीब जाऊँगा चश्मों के तब आपको दिखाऊँगा कि कैसे ये चिट्टे रंग का पानी है। जी सर, कैसा रहा ट्रिप? ट्रिप बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त व्यूज है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक और एडवेंचरस टूर मेरी लाइफ का, जितने भी तक मैंने टूर किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किए लेकिन किए काफ़ी ज़्यादा, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक था। तो लेक तक आप पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए? यार लेक के तकरीबन 85% हमने कवर कर लिया था, लेकिन बैड लक हमारी थी, बारिश स्टार्ट हो गई, साथ ही लैंडस्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, बादल आ गए थे, ट्रैक नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा जी, ये लोग आ गए हैं, लाहौर से आए हुए हैं, और इनसे मुझे एक फेवर चाहिए, अपनी हाइकिंग स्टिक बुलाएं और हाइकिंग स्टिक चाहिए। इंशाल्लाह जी, इनको लाहौर में जाके मैं हाइकिंग स्टिक वापस दे दूंगा। थैंक यू सो मच जी, इसके बगैर चिटाकटा नहीं होगा। नहीं होगा जी। ओके जी, सी यू इन लाहौर। थैंक यू, थैंक यू। पुल क्रॉस करने के बाद ट्रैक काफ़ी एकदम टफ हो गया, बहुत ज़्यादा स्टीप है। ओह थैंक गॉड स्टिक मिल गई है, थैंक यू तरह आपने स्टिक दी, और अभी कल तक काम आएगी इंशाल्लाह। ये
ये जो आपको ऊपर पत्थर दिखाई दे रहा है ना, इधर गुलाबी कलर का एक पत्थर निकलता है, रूबी बोलते हैं, काफी ज्यादा उसकी कीमत होती है। रूबी पत्थर, रूबी गुलाबी कलर यहाँ से निकलता है जी, यहाँ से ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, इसकी बीच से निकलता है, ब्लास्टिंग करते हैं यहाँ से, ब्लास्टिंग करके निकालते हैं। सलाउद्दीन जी, यार जंगल में हम आ गए, जानवर तो नहीं होता यहाँ पे? नहीं होते, लेकिन ज्यादातर सर्दी में होते हैं। कौन से होते? रीछ होते हैं, चीता होता है। वाकई? जी जी। नहीं तो ये अभी भी हमें मिलेगा आगे? नहीं अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन होते हैं, रीछ वगैरह होते हैं, भेड़ों पे अटैक करते हैं कभी कभी। मुश्किल है लेकिन इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है कि हर 10 मिनट के बाद आपको एक नई सीनरी देखने को मिल रही है। कभी पानी आ रहा है, कभी जंगल आ रहा है, अब फूल आ रहे हैं इतने खूबसूरत। अभी देखते हैं मज़ीद आगे, 2 घंटे हो गए मुझे, बाई दफे 12 बजे चला था, 2 बज गए हैं और तकरीबन हाफ किया अभी मैंने डेक 2 के हिसाब से, तो बाकी झील तो अभी कल पता चलेगा कितनी दूर है। ये है कि हमने इस चट्टान के साइड से होते हुए जाना है वो ऊपर और फिर क्रॉस करके हम उस तरफ जाएंगे। मिशन कश्मीर कंटिन्यूस। सो गाइस, जैसी वो खूबसूरत वाटरफॉल गुजरी है और जो चट्टान हमने पूरी क्लाइंब कर गया, प्रॉपर क्लाइंब करनी पड़ी है, क्लाइंब करके जैसे ऊपर आए हैं तो ये खुला मैदान आ गया और इस मैदान का मतलब है डेक 1। वो ऊपर मुझे टेंट लगे हुए नज़र आ रहे हैं 3-4, जिसका मतलब है कि यहाँ पे लोकल लोग आपको वेलकम करने के लिए बैठे हुए हैं। सो गाइस, आपको वो खूबसूरत जानवर एक नज़र आ रहा है जिसको बरमूट भी कहते हैं और क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, कंचुआ कंचुआ और मरमूट जो आपको दिवसाई में भी मिलता है। चलें इसके बाद देखते हैं, भाग जाएगा वैसे ही।
जी गाइस, फाइनली पहुंच गया मैं 3:30 बजे डक वन पे। टेंट मैंने ले लिया, यहाँ पे इनसे कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ, ये लोग सामान समेट रहे हैं, ये सारे इधर स्लीपिंग बैग पड़े हैं और काफ़ी टेंट अगर आप देख रहे हैं इन्होंने पैक पैक करके ये लोग अब नीचे लेकर जा रहे हैं। और हाँ, एंड में आज के दिन की समरी। नंबर वन, ट्रैक की डिफ़िकल्टी। ट्रैक वाज वेरी डिफ़िकल्ट, प्रॉपर क्लाइंबिंग थी। और दो चीज़ें आप जहन में रख लें, ट्रैकिंग स्टिक और प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़, उसके बगैर ही आने वाली जगह बिल्कुल भी नहीं है। नंबर टू पे आ जाता है आपका जो उसका टेरेन है, उसकी सरफेस है वो कैसी थी। तो जनाब, सरफेस तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, अच्छी ग्रिप आती है शूज़ की भी, अगर आपके शूज़ अच्छे हैं तो। स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं था, आल दो कल पूरा दिन बारिश होती रही है यहाँ पे, लेकिन सरफेस बहुत अच्छी थी। बट सिर्फ जो है वो 1% वाला ट्रैक है, यानी सिर्फ आपके अपने कदम चल सकते हैं, दूसरा बंदा आपके साथ नहीं चल सकता, तो ट्रैक बहुत पतला है। लेकिन तीसरे नंबर पे अगर मैं बताऊं कि ट्रैक की ब्यूटी और नेचर, ओ माय गॉड, मैंने पूरे पाकिस्तान में ऐसा ट्रैक नहीं किया। मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक जो वाटरफॉल है, स्पेशली जो जंगल है, और फिर जो जंगल प्लस जो पत्थर और फिर वो जो वाटरफॉल का एक सीन आया था, जहाँ पे ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी, लेकिन दैट वाज द बेस्ट पार्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया अभी तक। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़बरदस्त है। वाइल्ड लाइफ के बारे में आ जाएं तो आपने अभी देखा ही होगा कि आपको कितने ज़बरदस्त मरमूट इधर देखने को मिले। तो बड़े प्यारे आपको जगह जगह पे अपनी आवाज़ें निकालते हुए ये आपका नज़र आते हैं। और इसके अलावा फूल, बहुत तरह के रंग बिरंगे फूल आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो वाइल्ड लाइफ है इधर बड़ी ज़बरदस्त है। और साथ आपको जिस तरह सलाउद्दीन ने बताया कि इधर स्नो लेपर्ड भी हैं और चीते चीते भी हैं। तो बाकी अगर मैं पानी के बारे में देखूं तो आल दो पानी आपके साथ थ्रू आउट आ रहा होता है बड़ा आबशार, लेकिन पीने वाली जगह सिर्फ एक या दो ही आई थी। इसके अलावा अगर मैं हट्स देखूं तो रास्ते में कोई हट खाने पीने का नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ जैसे ये मैं डक वन पर पहुँचा तो यहाँ पर लोग हैं जहाँ पर कैंपिंग होती है, तो यहीं पर आपको खाना मिल सकता है। सो दैट वॉज आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बाकी क्लीनलीनेस लास्ट पॉइंट जो मैं बताता होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं इसलिए ट्रैक बहुत क्लीन है, क्योंकि ये ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है इसलिए आपको रैपर बहुत कम नज़र आए हैं। जितने लोग आ सकते थे लोगों ने अपनी कोशिश पूरी की हुई है यहाँ पर। तो अगले साल आई होप काफ़ी ग्रुप टूर आएंगे यहाँ पर, तो कोशिश करें यार इस ट्रैक को गंदा ना करें। खूबसूरत तरीन ट्रैक है पाकिस्तान का अभी तक, आज के दिन तक। बाकी मैं अब रेस्ट करता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ और आपसे मिलूँगा सुबह इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग नाज़रीन, फ्रॉम चिटाकटा लेक का जो डक वन है। और रात को तो, शाम को जब मैं पहुंचा था तो मैं अकेला था, लेकिन मगरिब तक तकरीबन 15 लोग और आगे थे ग्रुप से, एक कुछ कराची से आए और कुछ इस्लामाबाद से। तो सुबह सुबह हमने उठ के नमाज मास पढ़ के उसके बाद नूडल शूडल खा लिए हैं और अब तकरीबन 6 बजे हम लोग निकलने लगे हैं टूवर्ड्स चिटाकटा लेक। पीछे आप मौसम देख रहे हैं, रात को वेदर बहुत क्लियर था, गैलेक्सीज बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी, लेकिन अभी जो है ना वो फोगी किस्म के जो क्लाउड्स होते हैं वो आना स्टार्ट हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं कि 4 से 5 घंटे, मेरे लगेंगे 7 घंटे, बिकॉज हमने वीडियो बनाते हुए जाना है। चलें फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रैकिंग स्टार्ट किए 5 मिनट हुए थे और हल्की हल्की कनियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई हैं। मिशन चिट्टा कटा लेक।
कॉलेज पढ़ना स्टार्ट हो गया और हम लोग अब एक छोटी सी गाड़ मिल गया हमें पहाड़ों के ओट में। हम लोग चुके जो आगे 6 साल लड़के जा रहे थे वो अब इस टाइम ओपन है। हम शुक्र है कि अच्छी जगह से गुजरे थे। सामने वेदर क्लियर है लेकिन हमारे ऊपर यहाँ पे फुल काले बादल आ रहे हैं, इसलिए जैसे मैंने आपको कहा था ट्रैक ये करना आसान नहीं है, मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन की ज़रूरत है इसके लिए। तो वो देखते हैं अभी अगर तो साफ हो जाता है हम इधर ही वेट करते हैं, अदरवाइज रेनकोट निकाल के फिर आस्ते आस्ते चलेंगे। सो वंस अगेन वी आर ऑन द ट्रैक। बारिश रुक गई थी और उधर से देखें तो बादल ख़त्म भी हो रहे हैं और उन पत्थरों से ऊपर आने के बाद बेसिकली ये सारा माउंटेन ऊपर चढ़ना है हमने अगले 5 घंटों में। और इसी माउंटेन के पीछे है चिट्टा कट्टा और ये इसका चिट्टा चिट्टा पानी। आप बस ये आप सारे देखें क्या खूबसूरती है इस जगह पे। एक ये आ रही है, एक वो सामने है, वो सामने है। ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरती देख के कहीं मर ना जाए हम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, खुदा तेरी कुदरत, वाह क्या नज़ारे हैं। और ये नज़ारे अल्लाह ताला ने उन खुद ख़ास लोगों के लिए रखे होते हैं जिनके दिमाग में फितूर होता है और जो थोड़े पागल होते हैं। अब ज़रा हल्की हल्की किनमिन किनमिन हो रही है, कभी लगता है कि एकदम आसमान साफ हो रहा है और कभी एकदम फिर बादल आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने अभी तक ये किया कि वो पत्थरों वाले एरिया से होने के बाद ये पूरा एरिया किया तकरीबन आधे घंटे में, बहुत बड़ा एरिया ये खुला। और अब असल चढ़ाई स्टार्ट होने लगी है, वो सीधा ऊपर जाना। और इस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं फाइनली, जहाँ पे हमें सामने नज़र आ रही है हरी पर्वत। मज़े की बात यह है कि ऊपर फुल बर्फ़ पड़ रही है इस वक्त। हरी पर्वत जो है वो सफ़ेद पर्वत बन रही है, बल्कि चिट्टी पर्वत बन रही है। इस वक्त जिस जगह पे मैं पहुंच चुका हूं, मेरे पीछे है हरी पर्वत पीक और इसकी खूबसूरत वाटरफॉल। तकरीबन 3 घंटे लगे मुझे यहां पे पहुंचने में, 9 बज गए, 6 बजे हम लोग निकले थे, लेकिन आलमोस्ट आधा पौना घंटा तो हमारा बारिश और जो ओले पड़ने लगे थे उसकी वजह से जाया था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, लेक तो भी बहुत ऊपर है और यहाँ से आगे इस वाटरफॉल के बाद द फर्स्ट हाइक अप और मज़ीद स्टार्ट होने लगे। आलमोस्ट 70 डिग्री का यहाँ पे जो एंगल है ट्रैकिंग का वो स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन हमें 1 घंटा लगेगा इसको और उसके आगे भी 1 घंटा है। तो मुझे लगता है कि स्लो स्लो करते वीडियो बनाते बनाते मुझे अभी भी मज़ीद कोई 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो 6 बजे निकले थे, आलमोस्ट 11, 11:30 बजे मुझे लगता है मैं पहुँच जाऊँगा।
जी फाइनली पहुंच गया हूं मैं चिट्टा कट्टा लेक। और सबसे ज़्यादा इसकी यूनिक चीज़ ये है कि लेक बहुत नीचे है और चारों तरफ से अगर आप देखें तो माउंटेन की दीवारें और बंद है बिल्कुल। और सबसे बड़ी वजह आप इसका पानी का कलर देखें, बिल्कुल ज़रा वाइटिश वाइटिश है। ये नॉर्मल लेक्स की तरह जिस तरह वो ब्लूश पानी होता है वैसा नहीं है, दूधिया है पानी है, जिसकी वजह से इसको चिट्टा कट्टा कहते हैं। और सबसे खूबसूरत वो जो ऊपर पीक्स हैं जिनके ऊपर बिल्कुल फ्रेश इस वक्त बर्फ़ पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्रेश छलकती हुई। That was end of चिट्टा कट्टा लेक व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाया, इतनी स्टीप और इतनी ख़तरनाक जगह थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इसका जितना भी रास्ता मैं आपको दिखा सकूँ और अगली दफ़ा जब आपने चिट्टा कट्टा आना हो तो ये वीडियो आपके लिए गाइड बन सके। समरी में आपको इसके साथ शेयर कर देता हूँ कि ओवरऑल अगर मैं इसका डिफ़िकल्टी लेवल देखूँ तो 10 में से 9 बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली आखिरी 2 घंटे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। टाइमिंग के लिहाज से देखूं तो जब आप नीचे जो बेस कैंप है वहाँ से डक वन तक आते हैं तो आपको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, और डक वन से ऊपर चिट्टा कट्टा आते तक मुझे लगे हैं 4 घंटे। और आल दो मैंने फिल्मिंग भी किया, लेकिन मेरे साथ और भी जितने लोग थे कराची इस्लामाबाद से उनको भी तकरीबन इतना ही टाइम लगा। तो आप जेहन में रखें 4 से 5 घंटे डिपेंडिंग ऑन योर स्टेमिना। इसके अलावा अगर मैं ये बताऊँ कि स्टीपनेस कैसी है तो ट्रैकिंग में स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है, कई जगहों पर 70 डिग्री और कई जगहों पर इवन 90 डिग्री आपको पत्थर पकड़ पकड़ के जो है वो क्लाइंब भी करना पड़ता है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेदर। वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, आपको इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करके आनी है, आपका अच्छा ट्रैकिंग ट्राउज़र, स्पेशली आपके ट्रैकिंग शूज़, आपकी ट्रैकिंग स्टिक और रेनकोट, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने यहाँ पे नहीं आना, इसका मतलब है ये चीज़ें आपने ज़रूर लेकर आनी है। सो दैट वाज एंड ऑफ चिट्टा कट्टा लेक। पीछे से बादल बहुत गहरे आ रहे हैं और इस साइड से भी बहुत गहरे आ रहे हैं, और एक दफ़ा फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं बारिश हो जाए। तो मैं चलता हूँ अब वापस, पहले मैं जाऊँगा डक वन पे, वहाँ से अपना कुछ सामान पकड़ूँगा और डक वन के बाद फिर हम नीचे ट्रैक करते हुए जाएंगे जंगल से होते हुए बेस कैंप पे। तो मिशन कश्मीर सीरीज़ जारी है, अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि मैं आपको लेके जाऊँगा इस शाउंटर वैली के बाद एक और बहुत ही खूबसूरत वैली में जो कि नीलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, बीइंग अ ट्रैवलर।